साथियों, वर्तमान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दोनों UPA 1 और UPA 2 की तरह घोटालेबाज लोगों की सरकार बन चुकी है। देश में सरकारी बैंकों का धन उद्योगपति कारपोरेट्स द्वारा लूटा के अब वही उद्योगपति कारपोरेट्स विदेश में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और ये सब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार के देखरेख में हो रहा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी एक घातक नई समस्या सबके सामने खड़ी हो चुकी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी ने सत्ता के पहले ये कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार का निर्मूलन होगा, काला धन वापस आएगा। अब बाहर का काला धन, विदेशों में भारतीयों का काला धन अंदर आने की बात छोड़िए, कई लोगों के नाम आए, पनामा पेपर्स में आए, पैराडाइज पेपर्स में आए, लेकिन सरकार सोती रही, कुछ नहीं हुआ। और अब हाल तो ऐसा है कि बाहर का धन अंदर लाने की बात तो छोड़िए, अंदर का ही सरकारी बैंकों का पैसा, गरीब मेहनतकश लोगों की सेविंग की कमाई का पैसा, जिसके सरकारी बैंक चलते हैं, वो बैंकों का ही पैसा हजारों करोड़ों में लूटा जा रहा है, लाखों करोड़ों में लूटा जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में PNB घोटाला करके, जो नीरव मोदी के माध्यम से जो सरकारी बैंकों को 11,400 करोड़ का चूना लगा है, ये सबके सामने है। पहले विजय मल्या देश से भगाए गए, कोई ललित मोदी भगाए गए, अब कोई नीरव मोदी भगाया जा रहा है, और उसके बाद कोई मेहुल चौकसी, जतिन मेहता, ये सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के समय में भारत को छोड़कर विदेशों में जाकर बसने लगे हैं। और ये अचरज की बात है कि पिछले 4 साल में लगभग सरकारी बैंकों के 6,556 हजार कोटी रुपए है जो है वो सरकारी बैंकों के लूट चुके हैं, और इसमें अकेले स्टेट बैंक का जो घाटा है वो सबसे बड़ा है, वो 1,538 कोटी का है। और इसीलिए जो आर्थिक लूट देश में चली है, मोदी सरकार के देखरेख में चल रही है, मदद के सहारे चल रही है, भाजपा के देखरेख में चल रही है, और भाजपा उसका चुनावी फायदा ले रही है, इसके खिलाफ़ एक जन आंदोलन होना चाहिए, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आने चाहिए कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट लोगों को, कारपोरेट्स, उद्योगपति को समर्थन देने वाली सरकार है। और इसलिए आने वाले 1 मार्च को बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने मुंबई और नागपुर में दोनों जगह ये जो रिजर्व बैंक हेडक्वार्टर्स है, वो रिजर्व बैंक हेडक्वार्टर के सामने सरकार का निषेध करने के लिए, ये आर्थिक लूट रोकने के लिए और पूंजीपति नीतियों से सरकार बाज आए, मोदी सरकार बाज आए, इसके लिए उग्र निदर्शनों का प्रयोजन किया है। ये उग्र निदर्शन बड़ी भारी संख्या में सफल होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, और इससे सरकार का असली चेहरा भी लोगों के सामने आने के लिए मदद होगा।